हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी अब। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप अपनी जीमेल आईडी या फिर बोल सकते हैं गूगल की आईडी अपने मोबाइल से, चाहे वो कोई भी मोबाइल हो, चाहे वो सैमसंग का हो या फिर वो पैनासोनिक का हो या फिर रेडमी का हो या फिर नोकिया का हो, कोई भी मोबाइल है उससे अपनी जीमेल आईडी या फिर गूगल आईडी साइन आउट करना चाहते हैं, उस मोबाइल फ़ोन से रिमूव करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों को तो इसके बारे में पता होगा, और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि कैसे अपना जो ईमेल आईडी है गूगल की और जीमेल की आईडी अपने मोबाइल से साइन आउट कर सकते हैं, परमानेंट रिमूव कर सकते हैं अपने मोबाइल से, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के ठीक नीचे आपको कुछ इस तरह से रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, इसको दबा लीजिए। जब इसको दबाएंगे, इसको प्रेस करेंगे तो इसके साथ साथ एक बेल आइकन भी आ जाएगा कुछ इस तरह से, तो इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि आगे भी मैं इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड और टेक्निकल वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा जिससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे अपनी जीमेल या फिर गूगल की आईडी है वो अपने किसी भी फोन से साइन आउट रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल का जो सेटिंग का ऑप्शन है उसमें जाना है, चाहे वो कोई भी मोबाइल हो आपको सेटिंग का ऑप्शन आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, मैं इसको सेटिंग के ऑप्शन को प्रेस कर देता हूँ। तो सेटिंग के ऑप्शन में जाना है, तो जब यहाँ पे आएंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मोबाइल में तो यहाँ पे ओनली अकाउंट का ऑप्शन होता है, मेरे यहाँ मोबाइल में जो है ये क्लाउड एंड अकाउंट का ऑप्शन है, ये मेरा सैमसंग का मोबाइल, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्लाउड एंड अकाउंट का ऑप्शन है, ठीक है, अकाउंट्स। तो यहाँ पर और आपके जो बाकी दूसरी कंपनी का मोबाइल है तो आपको अकाउंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन है, इसको प्रेस करना है। और जैसे अकाउंट्स का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे दिखा देगा, जो ईमेल आईडी आपके मोबाइल में साइन इन है, मतलब जिस ईमेल आईडी को आपने ऐड कर रखा है आपके मोबाइल में। तो जिस भी ईमेल आईडी को आपको रिमूव करना है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखिए रिमूव अकाउंट का ऑप्शन आएगा, तो सिंपल यहाँ पे रिमूव अकाउंट पर प्रेस कर दीजिए। जब आप रिमूव अकाउंट पर प्रेस करेंगे तो पूछेगा रिमूव दिस अकाउंट विल बी डिलीट ऑल द इट्स मैसेज कॉन्टैक्ट एंड अदर डेटा फ्रॉम द डिवाइस कंटिन्यू, तो यहाँ पे पूछेगा कैंसिल या रिमूव अकाउंट। तो अगर इसके बाद भी आप ये वार्निंग एक जनरल इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बाद आपको दोबारा से रिमूव अकाउंट पर प्रेस कर देना है। और जैसे रिमूव करेंगे तो आपके जो ईमेल आईडी है, आपका जो मोबाइल है जीमेल की या गूगल की ईमेल आईडी है, आपके मोबाइल से साइन आउट हो जाएगी, यानी कि रिमूव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने मोबाइल से किसी भी ईमेल आईडी को, यानी कि जीमेल आईडी या गूगल आईडी है, उसको हटा सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस तरह से कोई भी मोबाइल है आपके पास, कोई भी मोबाइल है, चाहे कोई भी किसी भी कंपनी का है, सैमसंग का हो चाहे पैनासोनिक, कोई भी मोबाइल है उस पर अगर आप जी मेल आई डी आपकी जो गूगल की आई डी है उसको रिमूव करना चाहते हैं, उसको साइन आउट करना चाहते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक करना और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और मिलते हैं एक और लेटेस्ट नई टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक अपने ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।